जंगल का बादशाह कह रहा है कि मुझे पिंजरे में बंद किए हुए जरा बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। एक ब्रांड न्यू व्लॉग का करते हैं आगाज़। इस व्लॉग में जो है मैं ना हम आए हैं एक ज़ू में। तो ज़ू है यहाँ पे, ये कमाले सिटी में, ये एक कमाले के लिहाज से ये काफ़ी बड़ा ये ज़ू है। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से नहीं हैं। इस व्लॉग को बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो लोग घरों पे मसरूफ़ होते हैं, कामकाज में मसरूफ़ होते हैं, तो वो ये नहीं देख सकते, यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये मेरा व्लॉग देख के वो एंजॉय करें। तो चलते हैं। पहले हम चलेंगे जी, ये है जी इंडियन मोर। ये इंडियन मोर का केज है। ये पाकिस्तान में पाया जाने वाला खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये है इंडियन मोर। ये देखें ज़रा, ये इंडियन मोर, ये कितना खूबसूरत में कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये छांगा मांगा के जंगलों में ये पाया जाता है, लेकिन नाम इसका इंडियन मोर है। देखिए ज़रा, अभी हम देखते हैं अभी हमें कौन सा जानवर देखना है, तो उसके केज की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम कौन सा जानवर देखने आए हैं? जंगल का बादशाह। ये देखिए ज़रा, ये सोया हुआ है। जंगल का बादशाह कह रहा है कि मुझे पिंजरे में बंद किए हुए ज़रा मुझे बाहर निकाले ना, तो वहाँ मैं आप लोगों को पूछूं ज़रा। ये साथ में शेर के बच्चे भी हैं छोटे छोटे के, देखें ना कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखे ज़रा बच्चे, देखे ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए ज़रा, और शेर और शेरनी दूसरे पिंजरे में। अभी हम सबसे जो नाटी जानवर है ना, उसके केज के पास जा रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे कौन सा वो जानवर है। तो बच्चे भी उसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं उसकी शरारतों की वजह से। चले उधर चलते हैं। अभी जिस नाटी एनिमल की मैं बात कर रहा था वो है जी मंकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे अंदर बंद किया हुआ है, उसको आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन कैमरे की आँख से आपको नज़र नहीं आएगा। ये कैमरे को जूम करके भी मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही इस वाले पिंजरे में। ये लोगों के लिए हिदायत लिखी हुई है, जानवरों परिंदों को तंग करना गुनाह और इनसे प्यार करना नेकी है। अभी हम रीच के केज के पास पहुंच चुके हैं और ये झूम झूम के एंजॉय कर रहा है। चेक करें ज़रा, ये बिल्कुल करीब से देखें ज़रा कैसे झूम झूम के एंजॉय कर रहा है। देखें ज़रा, ये इस केज के पास आए। ये देखें ज़रा, इसमें काफ़ी सारे परिंदे हैं, इसमें मोर है, डक्स हैं और दूसरे बर्ड हैं। ये एक मोर तो बिल्कुल ही हमारे पीछे फिर रहा है। ये देखिए ज़रा, लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इनको देख के। ये सामने एक बोर्ड लिखा नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है जानवर और परिंदों को किसी भी किस्म की खुराक न डालें, और साथ में ये डस्टबिन रखी हुई है ताकि लोग सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और जो भी चीज़ मतलब कि रैपर है, जो भी चीज़ है वो इस डस्टबिन में डालें। और इसकी शेप भी ज़ू के मुताबिक जो है ना, एलिफेंट की शेप की डस्टबिन लगाई हुई है। अभी हम हिरन के केज के पास पहुँच गए हैं। देखिए ज़रा, काफ़ी सारे हिरन हैं, वो अंदर खेल रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। इनमें छोटे छोटे हिरन के बच्चे भी हैं। काला हिरन, इस पर आप ये सारी तहरीर जो लिखी हुई है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि सफाई का खास ख्याल रखें, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलना मना है, लेकिन आवाम फिर भी ख्याल नहीं रखती। ये आ गए हैं जी हम नील गाय के पिंजरे के पास।
बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं नीलगाय, ये खड़ी हुई है अभी, ये यहाँ से चारा खा रही है। बिल्कुल पीछे मेरे आप देख सकते हैं कैंटीन भी बनाई हुई है, इस पर आप पकौड़े, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी, तो ये बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, हम रीच की जगह पे आए हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुली जगह छोड़ी हुई है ताकि ये आराम से इंजॉय कर सके। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और नीचे यहाँ पे पानी होता है गर्मियों में, और ताकि यहाँ पे ये नहा भी सके। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं रीच, एक रीच आपने उधर देखा था उस पिंजरे में, तो एक ये ओपन एरिया में छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जंगला भी लगा हुआ है ताकि ये आवाम की जो सेफ्टी रहे, ये आवाम को नुकसान ना पहुँचा सके। देखिए ज़रा ये रेस्ट कर रहा है अभी। ये बोट के लिए एक तालाब बनाया गया है, इसमें भी बोट चलती थी, लेकिन सर्दियों में ये खुश्क हुआ है और जो आवाम एंजॉय करती थी, लेकिन अब वो इसकी खाली होने के देख रही है। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।